कई लोगों का ये सवाल होता है कि इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं, क्या रीजन है हर महीने हर हफ्ते इंडिया में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, या कभी किसी भगवान की पूजा होती है, या कभी कोई और किसी तरह का रिचुअल होता है, कभी होली होती है, कभी दिवाली होती है, कभी रक्षाबंधन होता है, कभी हम लोग पहाड़ों की पूजा करते, कभी हम पेड़ों की पूजा करते, कभी हम सांप की पूजा करते, तो कभी हम कुत्तों की पूजा करते, तो कभी हम गाय की पूजा करते हैं। मतलब इंडिया में पूजा पाठ बोले तो ये पूरे साल भर चलता है, और ऐसा क्या रीजन है? तो कभी हम सूरज की पूजा करते, तो कभी हम चांद की पूजा करते, क्या रीजन है इंडिया में इन सबको भगवान माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? आपके मन में कभी सवाल आया ही होगा, क्यों मेरी मम्मी कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में उठ के स्नान करना चाहिए या गंगा स्नान करना चाहिए, या हमारे माथे पे टीका लगाना चाहिए, या शादीशुदा लड़की ने माथे में सिंदूर भरना चाहिए, शादी से पहले उसका लाइफस्टाइल कुछ अलग होता है, शादी के बाद लड़के और लड़के का लाइफस्टाइल अलग होता है। मतलब इंडिया एक कम्प्लीटली बहुत ही अलग चीज है, और इंडिया में हिंदू धर्म सनातन धर्म सबसे अलग है। तो क्यों इतने सारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में आप कह सकते हो रिचुअल्स मनाए जाते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको मना दूंगा, अगर हिंदू धर्म में कोई भी रिचुअल होता है, कोई भी पूजा होती है, हर पूजा के पीछे हर रिचुअल के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। जस्ट एग्जांपल, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कहते हैं, जैसे मैंने अपनी मम्मी से सुना कि कार्तिक के महीने में सुबह 4 बजे उठ के नहाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? मैं अपनी मम्मी से सवाल करता हूं, उन्हें इन बात का जवाब नहीं पता, लेकिन जब मैंने खुद ने रिसर्च किया, मैंने कई बार कई चीजों पे रिसर्च कर चुका हूं, तो रिसर्च से ये पता चलता है और समझ में आता है कि हमारे जो भी रिचुअल्स है, जितने भी हम पूजा या पाठ या किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है। जस्ट एग्जाम्पल, अभी हम कार्तिक महीने की बात कर रहे थे, हम ऐसे तो कभी जिंदगी में 4 बजे उठते नहीं, हमारा लाइफस्टाइल काफी बेकार है। हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी काफी आलसी होने वाली है, इसीलिए उन लोगों ने हमको भगवान के नाम से डरा डरा के कैसे भी वो लोग हमको सुबह उठाते हैं, क्योंकि जब इंसान सुबह 4 बजे उठता है, जब हम 4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब हमारा माइंड बहुत ही फ्रेश और साइलेंट काम होता है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई विचार नहीं होते इस मन में, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। जिसकी वजह से अगर हम सुबह 4 बजे उठते हैं और हम नहाते हैं, तो 4 बजे उठने के बाद हमारा जो पूरा दिन होता है, हमारे जो 24 घंटे होते हैं, उस टाइम में 99% चांसेस है, अगर आप कंपेयर करते हो, जब आप रोज 9, 10, 11, 12 जितने भी बजे उठते हो, उससे अगर आप कंपेयर करते हो, तो आपका दिन बहुत बेटर रहेगा, आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, मन में एक अलग ही उत्साह रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा हमेशा, एक अलग ही तरह की एनर्जी, मतलब इंसान बहुत एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर आप 9-10 बजे उठते हो, तो आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, बॉडी में बहुत लेजीनेस होता है, हर काम के लिए हम ना कहते हैं, काम को टालने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह हमारा दिन पूरा ख़त्म होता है, और कई बार हम स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्यों हिंदू धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स और पूजा पाठ की जाती है। ऐसे बहुत से रीजन है, आज मैंने आपको कार्तिक मंथ के नाम से एग्जांपल देके आपको ये बात समझाने की कोशिश की। आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई, और आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सेम ऐसे ही किसी हिंदू रिचुअल के साथ, और उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जीवन बहुत पॉजिटिव
और बहुत बेटर जाए।